हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गहलोत रामाश्यामा के बहाने टटोलेंगे कार्यकर्ताओं की नब्ज। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत दिवाली और रामाश्यामा के बहाने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलेंगे। इसके लिए वह मंगलवार को अपने गृहनगर जोधपुर आ रहे हैं। अपनी दिवाली यात्रा के दौरान गहलोत जोधपुर जिले के पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे और विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नाम तय करेंगे। टिकट पाने की चाह में दावेदार भी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में लगे हुए हैं। जोधपुर जिले की सभी 10 सीटों पर प्रत्याशी चयन का जिम्मा अशोक गहलोत पर है। उनका स्वयं का सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना तय है, जबकि अन्य सभी 9 सीटों पर पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी तय नहीं किए हैं। अशोक गहलोत दीपावली पर 3 दिन के लिए जोधपुर आ रहे हैं। वे दिल्ली से 6 नवंबर को दोपहर की फ्लाइट से आएंगे। यहां से कायलाना के पास स्थित एक होटल में जाएंगे। वहां कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत कर उनसे फीडबैक लेंगे। दिन भर चलने वाले इस सम्मेलन के दौरान जोधपुर के अलावा पूरे संभाग के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के जुटने का अनुमान है। जोधपुर जिले की सभी 10 सीटों के प्रत्याशी तय करने के लिए यहीं पर कार्यकर्ताओं की नब्ज भी टटोली जाएगी। दीपावली के दिन गहलोत पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। रामाश्यामा के दिन उनका दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। दिल्ली जाने के बाद ही गहलोत जिले के प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लगाएंगे। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।